अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। डार्क सर्कल्स एक ऐसा इशू है जो कि बच्चे बच्चे और बड़े बड़े को है। इसकी रीजंस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो जेनेटिकली हो सकता है, वो तो बहुत डीट किस्म के होते हैं, उसको तो आप लोग को तकरीबन 7 से 8 महीने जो एक चीज़ करें वो तो रेगुलर करनी ही करनी है। बाकी होते हैं जी रात मोबाइल इस्तेमाल करने वाले, रात देर तक जागने वाले, उस पर डाइट जिनकी अच्छी नहीं होती, दूध नहीं होता, अंडा नहीं होता, उसके बाद हेल्दी फ्रूट्स वगैरह जो नहीं खाते। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ठीक है। मैं दूर के जो मेरे हस्बैंड फ्रूट नहीं खाते हैं, मेरी बेटी फ्रूट नहीं खाती है, मैं हर फ्रूट खा लेती हूँ। दही हो, अंडा हो, मगज़ हो, पाए हो, निहारी हो, हर चीज़ मैं खा लेती हूँ और हर फ्रूट खा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड के भी यहाँ पे डार्क सर्कल्स हैं, ईमान के भी हल्के हल्के डार्क सर्कल्स हैं। मैंने ये नोट किया, जो लोग फ्रूट नहीं खाते और जो खाने में नखरे करते हैं, स्पेशली उन लोगों के डार्क सर्कल्स होते हैं। तो इसलिए जी खाने में नखरे ना किया करें, वरना आप सबको टाके खिलाना पड़ना है। अच्छा जी, ये एक ऐसा मास्क है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये मैजिकल मास्क है। इसको आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, डार्क सर्कल्स आप लोग ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा सिरम नहीं है। मैं कोई सिरम भी रिकमेंड करूँ तो आप लोग को ये कहती हूँ, एटलीस्ट 3 महीने आप लोगों ने रेगुलर इस्तेमाल करना है, फिर आप लोग के जाके वो प्रोसेस स्टार्ट होगा ख़त्म होने का। किसी का जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, किसी का देर प्रोसेस स्टार्ट होता है। जिसके डार्क सर्कल्स बहुत डूंगे किस्म के हैं वो देर से ख़त्म होगा, जिनके हल्के हल्के हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है आप लोगों ने फुल ईमानदारी से इस्तेमाल करनी है। जिस तरह हम मोबाइल रोज चार्जिंग में लगाते हैं, इसी तरह ही हम लोगों ने रोज ये मास्क अप्लाई करना है, ताकि जब तक डार्क सर्कल थोड़े से लाइट नहीं हो जाते तब तक इसको डेली इस्तेमाल करें। फिर आप लोग 1 दिन का या 2-2 दिन का गैप डालना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है जी। चले जी, फटाफट आप लोग देख लें ये मास्क बनाया किस तरह है। बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ 3। एक आप लोग को पुदीना चाहिए, एक बादाम का तेल चाहिए, खालिस हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना कोई भी आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए मैदा। पहले आप लोग बनाने का प्रोसीजर देख लें, फिर हम लोग इकट्ठे अप्लाई करते हैं, और फिर मैं आपको थोड़ी सी रूटीन शेयर करूंगी कि आपने दिन में क्या क्या करना है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। चले जी, अब इसकी रेसिपी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मास्क बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान और फ़ौरन तैयार होने वाला मास्क है। हमें चाहिए 5 से 6 पुदीने के फ्रेश पत्ते, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए मैदा, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए खालिस बादाम। यहाँ पे मैं खालिस इस्तेमाल नहीं करी, खालिस मेरा ख़त्म हुआ है। अगर आप लोग कोई भी बादाम का तेल है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, पुदीने के 5 से 6 पत्ते लेने हैं और उनको छोटा 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 चॉप कर लेना है। ये देखें जी, चॉप हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून मैदा। ये देखिए 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके अंदर अब जाएगा आलमंड ऑयल, आधा थोड़ा थोड़ा करके पहले शामिल करेंगे आलमंड ऑयल, जितनी ज़रूरत हो कि उतना, बहुत रनी कंसिस्टेंसी की नहीं रखनी। ये देखें मिक्स किया, थोड़ी और ज़रूरत थी और ऐड किया, अब ये कंसिस्टेंसी की रखनी है। बेशक इससे भी थोड़ी कम रख लीजिएगा, बहुत रनी नहीं रखनी। मास्क हम लोगों ने रेडी कर लिया है, अब मैं यहाँ पे पॉइंटर्स मेंशन कर दूंगी। पॉइंट नंबर 1, जब हम लोगों ने मास्क तैयार करना है, हमेशा स्टील की चम्मच से मास्क तैयार करना है, जो कि ठंडी हो जाए मास्क तैयार करते करते। इसको हमने फ्रिज में रख देंगे, नहीं ठंडी तो। अब हमने मास्क रेडी कर लिया है, इस चम्मच को भी हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इस चम्मच का पूठा पासा लेना है और आँख की करनी है मसाज। इस वाली करती हूँ, ये 1 मिनट ये स्टेप करना है, ठीक है। अभी मास्क हमारा ये है, अभी हमने ये नहीं लगाना, सिर्फ अभी हम चम्मच के साथ कर रहे हैं, सुकून दे रहे हैं। ये करने के वक्त आपको मुंह पे कुछ नहीं लगा होना चाहिए, ना मस्कारा, ना काजल, ना बेस, किसी किस्म का कोई पाउडर, किसी किस्म की कोई क्रीम नहीं लगी होनी चाहिए। सिर्फ देख देख के सुकून नहीं हासिल करना, उठ के बनाना भी। अच्छा, शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इधर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, आंख के ऊपर जोर नहीं, यहाँ पे आते हुए थोड़ा जोर लगाएंगे और इसको खींच के बाहर की तरफ, आराम से आंख के ऊपर लेके आना है, खींच के फिर इधर बाहर की तरफ, ठीक है जी। अब चम्मच हमारी गर्म हो गई है, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम यहाँ रख देंगे या साइड पर रख देंगे। पहला स्टेप हो गया कम्प्लीट। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, इसको मिक्स करेंगे दोबारा पूरा। हमने मास्क अप्लाई नहीं करना अभी, अभी हम इस तरह ही रखेंगे। हम लोग थोड़ा सा लेके इसका करेंगे मसाज। फिर बता रही हूँ, कोई चीज़ आंख पर लगी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल होगा, आप लोगों ने आंख बंद रखनी है, जिनकी आंखें में इतना सेंसिटिव है, जो लैश सिरम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आंख सेंसिटिव होने की वजह से। सर्कुलर मोशन, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज,
हल्के हाथ रखना है, जोर नहीं लगाना, ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, इस पे जोर लगेगा तो ये आपको बहुत टफ टाइम देगा। ये प्रेशर पॉइंट है, उसको उठा के मसाज करने के बाद अगला पॉइंट है टैपिंग। आईब्रोज के ऊपर से खुद ही प्रेस करेंगे और इधर की तरफ, ताकि सर्कुलेशन हमें, अब आप लोग आंख में फर्क देख लीजिएगा, एक कैमरे में तो वैसे ही एक छोटी बड़ी लगती है, लेकिन थोड़ी सी खुली खुली आप लोग को लग, आईब्रोज में फर्क देख लें। ये देखें, ये उठी हुई लग रही है ये वाली, और ये बैठी हुई लग रही है। मसाज से बहुत फर्क पड़ता है, यहाँ पाकिस्तान में तो इतने मसाज करते नहीं है ना, बाहर चले जाओ मसाज के इतने बड़े बड़े पार्लर सेपरेट बने होते हैं, लोग इतने क्रेजी हैं मसाज करने, फुल बॉडी आईब्रोज मसाज अलग होती है, आई मसाज अलग होती है, नोज मसाज अलग होती है, हर मसाज की अलग अलग कैटेगरी। जो जो बाहर रहते होंगे उनको पता होगा, कमेंट करिएगा आप लोग। टैपिंग, अब टैपिंग भी हो गई है डन, अब लेंगे हाफ इसका, क्योंकि हाफ एक आंख का है, हाफ एक आंख का है, थोड़ा थोड़ा लेके इधर रख देंगे, ध्यान से आंख में ना जाए। चलो जी, अब इसको हमने सिर्फ 10 मिनट या 7-8 मिनट ऐसे छोड़ना है, उसके बाद हम लोगों ने रिमूव कर देना है। आंख पे ऐसे ही लगा लेते हैं मसाज और टैपिंग किए बगैर ही, क्योंकि जाया चला जाएगा फिर। और इसे ब्राइटन अप भी हुआ क्योंकि इसके अंदर मैदा डला हुआ है। अच्छा, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, थोड़ा सा मैं आप लोग को उसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। ऑयल के साथ मैदा इसलिए ऐड किया, जो ऑयल अकेला मसाज करते हैं ना, उससे क्या होता है कि डार्क थोड़ी सी स्किन हो जाती है। कुछ लोगों को ऑयल सूट नहीं करता, वो ऑयल लगाते हैं उनकी टैनिंग शुरू हो जाती है, जिससे उनका ना डल डल सा कलर लगना शुरू हो जाता है। जब ऑयल और मैदे को मिक्स करोगे, जिनको ऑयल लगा रहे हैं इससे कलर डल लगना शुरू होता है, उनके साथ बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, बाकियों को तो सूट करेगा करेगा, लेकिन जिनकी डलनेस आ जाती है बिल्कुल डलनेस नहीं आएगी। पुदीने से क्या होगा, ठंडक का एहसास होगा, और आपके जो गर्माइश की वजह से नीचे, पता है आंख, जिनके डार्क सर्कल्स वगैरह हो, मोबाइल ज़्यादा देखनी हो, वैसे यहाँ से आंखों से और सा सेक निकलना शुरू हो जाए, सेक को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब मैं हो गया है 10 मिनट के बाद, अब मुंह धोना है। 10 मिनट इस तरह बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये ऑप्शन स्टेप है, लेकिन इस स्टेप से आप लोगों की आंखों की जो सेक होता है ना, जो गर्मी निकल रही थी मोबाइल इस्तेमाल कर करके, मैं इसके बाद आज मेरी आंखें इस कदर जल रही थी। अब आप लोगों ने दो ठंडे ठंडे खीरे के पतले पतले स्लाइस लेने हैं, आंख के ऊपर रखने हैं, ऑप्शनल है, रख लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, आंखों में एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी। इसको लेकिन दबाते रहना ताकि ना सुकून आता है, हल्का हल्का दबाने छोड़ देना। चलें जी, अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद मुंह धो के खीरे उतार के। ये बड़ा अच्छा स्टेप है, सुकून से ना हैंड फ्री लगाएं टूटियां छूटियां तो यूँ हो जाए। दस मिनट गुजर गए थे, वाइप्स ली, सबसे मैंने वाइप्स अच्छी तरह साफ कर लिया, फिर फेस वॉश लिया, मुंह अच्छी तरह धो लिया। अच्छा, लाइफ में कुछ चेंजिंग्स करने से ना तब भी वाइट स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, हमारे डार्क सर्कल्स खत्म हो जाते हैं। भड़े कहते हैं ना कि मुंह पे क्यों लगाई जा रही हो, बालों पे क्यों लगाई जा रही है, इससे अच्छा तुम लोग खा लो तो डबल असर होगा। ये सही बात होती है, मुंह पे लगाओ तब भी असर करता है, लेकिन उसको खा लिया जाए तो ज्यादा असर होता है। जो लोग अंडे नहीं खाते, जो लोग दूध नहीं पीते, जो लोग दही नहीं खाते, मुझे बहुत ऐसी लड़कियों का पता है जो इन तीनों चीजों में से कुछ नहीं खाते, सिर्फ उनको चिकन 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 चाहिए होता है। देखो, हर चीज खाया करो, लेकिन मटन खाओ, चिकन खाओ, बीफ खाओ, सब्जियां खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, हर चीज बड़ी जरूरी होती है स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी, और हेल्दी रहने के लिए भी। इसलिए थोड़ी थोड़ी खा लेगा, ज्यादा ना खाओ। इतना सा चिकन खा लिया, इतना सा मटन खा लिया, एक अंडा खा लिया दो दिन छोड़ के, थोड़ा सा 2-3 चम्मच दही के खा लिए, अगर वैसे सादे नहीं खाए जाते, शक्कर डाल लो, दही डाल लो, ओट्स डाल लो, कुछ शामिल कर लो जिससे आप लोग को दही अच्छा लगना शुरू हो जाए। मेरी दोस्त है वहां, वो भी कुछ नहीं खाती, चिकन 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 चिकन, फास्ट फूड फास्ट फूड फास्ट फूड। उससे क्या होता है कि हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से और बहुत ज़्यादा मसले शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी डाइट का ख्याल खुद रखना है। देखो, एक वक्त के बाद, अभी मान 3.5 साल की होगी, अभी जिद्दे करती है ना, मेरा दिल नहीं करता इसको कुछ भी देने का,
आता है, मैं मेरा दिल करता है उसको ये भी दे दूं वो भी दे दूं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है माँ भी कुछ नहीं कर सकती, उसकी अपनी मर्जी होती है, वो खाए नहीं खाना ना खाए। अब माँ कब तक एक बच्चे के पीछे जा सकते हैं, इसीलिए अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है सबको, बेशक वो लड़का हो या लड़की हो, उसने अपना ख्याल खुद रखना। एक वक्त होता है जब बच्चा छोटा होता है माँ पीछे पीछे फिर के खिला देती है, लेकिन एक वक्त के बाद माँ कहती है हुण तुसी वड्डे हो गए, जो तुसी खाना है खाओ ते खसमां नूं खाओ। चले जी आज की वीडियो हुई खत्म, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सिंपल से स्टेप्स है, मास्क बनाना है, मसाज करनी है, थोड़ी सी लिफ्टिंग करनी है, टैपिंग करनी है, खीरा रखें, थोड़ी सी अपनी रूटीन चेंज करें, फूड चेंज कर रही हूँ, फूड आप लोग को थोड़ा सा हेल्दी की तरफ ले, अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी की तरफ ले। उसके बाद जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, रोना धोना कम कर दें, सरानों में मुंह देखे जो लड़कियाँ रोती हैं उनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स पड़ते हैं, रोते नहीं होते, ये ज़िंदगी का फेज़ होता है, जो होते हैं ना 15 से 18-19 साल का फेज़, ये ऐसे फेज़ होता है, इंसान गिरता है उठता है संभलता है, इसलिए इस फेज़ पे अपनी पूरी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर लेते थे, आगे बहुत अच्छी ज़िंदगी है। मुझे कल एक लड़की के पास जाया कि मेरे सब बहुत बुरा हुआ है, मैं 3-3 दिन रोती रहती हूँ, खाना नहीं खाती। मैंने कहा भाई जान 3 दिन तुसे भुखे रहते हो, रोंदे रहते हो, किन्नू फ़र्क पैंदा है, किसी नू भी नहीं, सिर्फ तेनू फ़र्क पैंदा है। मैंने कहा खाओ पियो ऐश करो, जब 5 साल गुजर जाएंगे फिर तुम सोचोगे कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, तो तब रोती थी और अपना ख्याल नहीं रखा, क्योंकि वक्त की सबसे अच्छी बात ही है वो गुजर जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, जो सही होती है ना ज़िंदगी वो थोड़ा सा मैच्योर इंसान हो जाता है, 22 गुजर जाता है तब इंसान की मैच्योरिटी और सही ज़िंदगी शुरू होती है। पहले तो इंसान बोंगे शोंगे मारता रहता है, इसलिए कोई फिक्र वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, घर वालों से ज़्यादा आप लोग इसके साथ लॉयल कोई नहीं होगा, सब चले जाते हैं। अब आप लोग देखिएगा जो अभी 15-16 साल की लड़कियाँ ना, जिनको लग रहा है घर वाले लॉयल नहीं है, कोई और लॉयल है, सब ने चले जाने हैं इस उम्र में, सब किसने रह जाना, सिर्फ घर वालों ने रह जाना। इसलिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें, घर वालों को भी खुश रखें, और किसी के लिए अपने घर वालों को दुखी ना करें। और जी अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं, अब हम ऑफ टॉपिक हो गए। चले जी अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।